जनपद प्रतापगढ़, ब्लॉक लक्ष्मणपुर, ग्राम पंचायत नव बस्ता की गांव की घटना है। 22 जनवरी की रात लवलेश ने आया और गैंगरेप किया, उसको जहर पिलाया। हाँ, मतलब हरिहरपुर से रिश्ता जुड़ा है, शादी पिला है, तो लड़का कल की बार आ रहे हैं सब, मतलब देखो के भौजाई, चाचा चाची, बहन बहनों सबको आ रहे हैं, देख के गए हैं, रिश्ता तय है। उसके बाद 15 दिन बाद जब फोन करें तो वो लोग दहेज की मांग करें, तो हमारे मम्मी पापा, उनके 7 लड़कियाँ हैं, वो लोग दे में असमर्थ हैं, इसी वजह से इनकार कर दिए हैं। एक दिन फोन करे, चलें आप ऐसा करें कि हमें साथ से भाग चले, तो हम उनका गाड़ी दे दें, मतलब हम बोले कि आप और आपके भाई रोड पर ककोड़ा लेकर निकल जाएँ, भीख मांग लें तो आप लोग को काफ़ी दहेज मिल जाए, और शादी करे ताकत नहीं, आप भगावत बात कर रहे हैं। अब 22 जनवरी को सर रात में ऐसा जैसे दरवाज़ा बंद करने के लिए ऐसे पलड़ा पकड़ा रहे, इतने में पता नहीं कहाँ छुपे थे वो लोग, अंदर खींच लिए कमरे में, फिर उसके बाद उन्होंने चाकू निकाला और मेरे गले पर जो चाकू रखा, दो चाकू यहाँ पर मारा, तो हम छीना झपटी में, मतलब हमारा हाथ छूट गया, हम चाकू उसको पकड़ लिए हाथ में, तो फिर उसके बाद एक तरफ दो लोग पकड़े हाथ पर, एक तरफ वो दो लोग, लॉलेस ने हमारे साथ गंदा सलूक किया, बलात्कार किया। फिर उसके बाद एक उसमें से बोला कि उनको छोड़ कर मत चलो, अगर छोड़ कर चलोगे तो जिंदा रहेगी, बयान देगी। फिर उसने जहर निकाला, सीसी बोला कि चाकू से मारेंगे तो पता चलेगा, तब ऐसा करो कि जहर, ये जहर सीसी का यही पिला दो, तब मर जाएगी लड़की खुद ही, और वो जहर की सीसी निकाल के पूरा मेरे मुंह में डाल दिए। बच्ची के बहुत घटना, बहुत उनके जान ला जुबान कट गया है, सफी आवाज़ नहीं आवती है। हाँ, उठत आवाज़ आवती है लेकिन साफ नहीं आवती है। बच्ची की जान ला जिंदगी खराब है बेचारी का। पुलिस रात में आवे थे, पूरा गश्त दे थे, पूरी रात रहा थे। कई बजे सात कई बजे तक रहा थे? लगभग 9-10 बजे से आ जा थी, सारी रात रहा थी, 5 बजे सुबह जा थी। अच्छा, कोनो दिक्कत तो ना है? नहीं, कोनो दिक्कत। और जो अपराधी हैं उनसे से कोनो दिक्कत, फोन फाटा, कोनो धमकी वगैरह? अभी तो कुछ नहीं आता है, कोनो फोन फाटा नहीं आता। तो सारे आरोपी पकड़े गए कभी भी नहीं पकड़े गए? नहीं, दो ही पकड़े गए, एक अज्ञात में जो है नहीं पकड़ा गया। हमारी दीदी के साथ ये घटना हुई है, तो आज मेरी दीदी के साथ हुई है, तो कल और भी हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से ये है कि जो है अपराधियों को सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि जो वो दोबारा ऐसा करने की जरूरत न करे। मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि वीडियो देखने वाले दर्शक वीडियो देखें और हमारी मदद करें। मैं अपील करना चाहती हूँ कि समाज कल्याण अधिकारी के मोबाइल नंबर 94-50-61-58-30 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहर्ड के लिए।